दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है आप एमएस ऑफिस से अपने किसी भी डेटा या फिर कोई भी प्रोजेक्ट को जो है आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, और उस वीडियो में मैंने आपको छोटा सा एक लाइव डेमो एग्जांपल भी करके दिखाया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके पहले इस वीडियो को वॉच करो, और उसका लिंक जो है मैं आई बटन में भी दे दूंगा। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने अपने किसी भी डेटा या फिर कोई भी प्रोजेक्ट को जो है पीडीएफ में कन्वर्ट कर रखा है, या फिर आपका कोई निजी डिटेल या फिर कोई पर्सनल जो आपका डिटेल है वो पीडीएफ के रूप में अगर आपके पास है, तो ऑफ कोर्स आप नहीं चाहोगे कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है आपके डेटा को जो है ओपन करे या फिर उसको एक्सेस करे। अभी यहां पे सवाल ये उठता है कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करें, तो यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है कि आप जो है अपने पीडीएफ फाइल पे जो है पासवर्ड लगा सकते हैं। अब सवाल यहां पे एक और उठता है कि यार हम अपने पीडीएफ फाइल में पासवर्ड कैसे लगाएं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो, मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि कैसे जो है पीडीएफ में पासवर्ड लगा सकते हो, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। हेलो दोस्तों, मैं नजरुद्दीन अहमद, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान क्लब, देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप ये सोच रहे होगा कि आप पीडीएफ में पासवर्ड लगाने के फायदे क्या है, तो इससे कुछ फायदे भी है तो कुछ नुकसान भी है। अब फायदे क्या है, मान लो पहला फायदा देखो, अगर जो व्यक्ति आपका फाइल ओपन करना चाहता है या फिर एक्सेस करना चाहता है उसको जो है आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर मान लो आपके फोन में या फिर कंप्यूटर लैपटॉप में अगर कोई पीडीएफ फाइल है और आपने उसको सिक्योर कर रखा है, तो आप किसी को भी अपना डिवाइस जो है एक्सेस करने के लिए दे सकते हो। तीसरा, अगर मान लो कोई चोरी से अगर आपका चुपचाप से अगर आपका डेटा चोरी कर लेता है, तब भी वो जो है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें पासवर्ड लॉक है। और इसका डिसएडवांटेज एक भी है कि अगर आपने पासवर्ड लगा दिया और आप पासवर्ड भूल गए, तो ये आपके लिए ही खुद मुसीबत बन जाएगा, आप खुद ही अपने डेटा को जो है एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो चलो दोस्तों, अब बिना समय वेस्ट किए हम फटाफट देखते हैं कि इसको करते कैसे है। तो अभी जो स्टेप्स मैं अभी आप लोगों को फॉलो करूंगा, सेम स्टेप्स आपको भी फॉलो करना है, उसके बाद जो है आप भी अपने डेटा को जो है प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए दोस्तों आपको जो है एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है pdfprotectfree.com। अब इस पे आपको जब सर्च करोगे तो आपको इस बार इसके वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। ये जो आपको फर्स्ट वाला लिंक दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करके इसके वेबसाइट पे जाना है। जब आप यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है, देख सकते हो इसका कुछ इंटरफेस ऐसा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ड्रॉ फाइल्स हेयर और क्लिक टू अपलोड, इस वाले सेक्शन पे आप जो है यहाँ क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो है मैं ड्रैग करूंगा और यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में पासवर्ड का सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है अपना, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी जो है अपना यहाँ पे जो है डेटा को लाके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, तो मेरे डिस्प्ले पे मैंने रखा है। अभी ये जो आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल दिखाई दे रहा है डेमो पीडीएफ के नाम से, पहले मैं अभी इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, आप देख लो कोई भी पासवर्ड यहाँ पे अभी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो गया बिना पासवर्ड के, ठीक है। अभी इस वाले फाइल पे हम पासवर्ड लगा के आपको दिखाएंगे, ठीक है। अभी इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके लेके जाता हूँ उस वाले सेक्शन पे, यहाँ पे ड्रॉप, मैंने ड्रॉप कर दिया। अभी यहाँ पे कह रहा है कि आप पासवर्ड डालो, तो मैं यहाँ पे फिलहाल डाल देता हूँ 1291234567 89, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया कंप्लीट। अब नीचे ये कह रहा है अपलोड एंड इनक्रिप्ट, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये जो है आपका फाइल को जो है अपलोड करेगा, साथ ही साथ जो है आपको पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना है, आप यहाँ देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, और हाँ ये देखिए हो चुका है आपका जो है इनक्रिप्टिंग का काम पूरा। अभी जो है इसको हम मुझे डाउनलोड कर लेना है, ये जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड पीडीएफ फाइल्स, तो इसको डाउनलोड करोगे तो ये जो जिप फाइल में डाउनलोड होगा, ठीक है। जब इसको डाउनलोड कर लोगे तो जिप फाइल में डाउनलोड होगा। तो अभी हम चलते हैं इसको, और अभी मैं इसको लेके जाता हूँ और इसको मूव करता हूँ यहाँ से, मैंने इसको मूव किया और मैं इसको डेस्कटॉप पे लेकर आता हूँ, ठीक है। अभी मैं डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अभी इसको अनजिप करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अनजिप करूँगा अभी, और थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। और अनजिप मैंने इसको कर लिया, आप देखो ये फाइल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ अजीब से इसका टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। अभी फिलहाल मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो मैंने इसको ओपन किया और ये मांगेगा मुझसे पासवर्ड, देखो यहाँ पे आ गया पासवर्ड। अभी मुझे वही पासवर्ड डालना है जो मैंने वहां पे डाला था इसको इनक्रिप्ट करते वक्त, 1 to 9 डाला था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैंने 9 डाल दिया, ओके किया, और देखो मेरा फाइल ओपन, देख सकते हो गाइस
कि मेरा फाइल जो है एज इट इज ओपन हो गया। तो ऐसे जो है आप अपने किसी भी पीडीएफ फाइल को जो है सिक्योर कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितना सिंपल और कितना इजी मेथड था। जो भी स्टेप्स मैंने अभी फॉलो किया है, सेम स्टेप्स आप भी फॉलो करना, आप भी अपने डेटा को जो है सिक्योर कर पाओगे और जो है प्रोटेक्ट कर पाओगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।